भगवान को कम, रेमडेसिविर को ज्यादा पूछते हैं। क्या हर व्यक्ति को जो संक्रमित है उन्हें रेमडेसिविर की आवश्यकता है? हर व्यक्ति को रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं है जो संक्रमण में है। रेमडेसिविर बेसिकली तीन कैटेगरी में हम संक्रमण को मान सकते हैं, एक माइल्ड है, एक मॉडरेट है और एक जो बहुत ज्यादा है। तो माइल्ड जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं है, वो दूसरी दवाई से वो ठीक हो जाते हैं। जो मॉडरेट कैटेगरी के लोग हैं उनको रेमडेसिविर की आवश्यकता है, उसकी दिशा में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और जो अत्यंत संक्रमित है उनको भी कुछ लोगों को आवश्यकता है, लेकिन सबको आवश्यकता रेमडेसिविर की नहीं है। उसके लिए बहुत सारे और दवाइयां हैं, उन दवाइयों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए रेमडेसिविर के लिए जो पागलपन लोगों में आ रहा है कि रेमडेसिविर की भी होर्डिंग कर रहे हैं, तो ये होर्डिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा। और इसको हम लोग पूरा जिस जिस अस्पताल को हम दे रहे हैं उसका पूरा डेटा ले रहे हैं कि किस मरीज को आपने ये रेमडेसिविर दी है, ताकि अस्पताल भी उसको सदुपयोग करे। क्यों नहीं हम लोग ऐसा, जैसे मान लीजिए अरूप चटर्जी को रेमडेसिविर लगा है, हॉस्पिटल ने आपको कवर किया, क्यों नहीं आप एक बार अरूप चटर्जी के परिजन से पूछ के फोन करके पूछ रहे, ये व्यवस्था हम लोग क्या कर सकते हैं? ये व्यवस्था बिल्कुल कर सकते हैं, व्यवस्था करेंगे। ये सुझाव बहुत ही स्वागत योग्य है, निश्चित रूप से हम इस पर भी विचार करके इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। रेमडेसिविर को भी आप लोग आयात कर रहे हैं? रेमडेसिविर आयात का अभी इशू भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन रेमडेसिविर का जो ऑर्डर हमने प्लेस किया है उसके आलोक में, जैसे मैंने बताया कि अब तक 12,500 रेमडेसिविर झारखंड में आई थी, लेकिन अगले एक हफ्ते में 15,000 रेमडेसिविर आने वाली है और 1,05,000 का ऑर्डर पाइपलाइन में है। तो इस प्रकार रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं रहने वाली। बीच में प्रोडक्शन इसका लल हो गया था, डिले मतलब स्लो हो गया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि भाई कोविड शायद इतना प्रभावी नहीं हो, लेकिन अचानक जो कोविड में तेजी आई है उससे रेमडेसिविर का प्रोडक्शन में भी पुनः जो हमारी प्रोडक्शन कंपनीज उन्होंने चालू किया है, तो ये रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं रहेगी।